न्यूयॉर्क से सीधा लंदन और लंदन से सीधा अपना गार्डन। अभी आप घर में देखना जो होगा तमाशा। देखें आप दासदाना मेरी नू कितना काम करांदी पी है मेरे को। मैं पूरी डैड ड्यूटीज कर रहा हूँ ना। हाँ। घर आ गया ना मैं। मैं मॉम बहू बेटी माँ लड़की सारी ड्यूटी कर रही। वो नहीं दिखता। हम पैसा देना भूल गए। आज मैंने एक नई डिश इन्वेंट करी है, मलाई वाली मिर्च। गुड मॉर्निंग गाइस, वेलकम टू अनदर व्लॉग। कैसे हैं सब लोग? हैप्पी संडे। हम तो बहुत खुश हैं, हमारा सौरभ वापस आ गया है। हाँ जी जी, गुड मॉर्निंग। हेलो जी, हेलो, क्या हाल चाल है? गला साफ नहीं हुआ अभी। कल हमने खाई आइसक्रीम। हाँ, इससे वही है। दादी पोते दोनों ने खाई। आप ये रिलाइज कर लो। हाँ, है ना। अभी सूरी साहब का सूटकेस और उनके बैग पीछे पड़े हैं, हमने अनपैक नहीं करे हैं, तो वो अनपैक करेंगे। देखेंगे अमेरिका से क्या क्या आया है। गुड मॉर्निंग सूरी साहब। गुड मॉर्निंग एवरीवन। भाई लड़का हीरा है ये, सीरियसली हीरा। मम्मी पिछली बार याद है इंडिया गए थे, मम्मी कहते इसका नाम ही हीरा रख दो। नहीं नहीं यार, आते साथ हमारा गार्डन वार्डन चमकाया जा रहा है, क्योंकि मौसम कुछ दिनों के लिए बहुत अच्छा है। तो हमने कहा मम्मी को मौसम के मजे दिलवाने हैं, थोड़ा फर्नीचर वर्नीचर ठीक करते हैं। और सूरी साहब कैसा लग रहा है? न्यूयॉर्क से सीधा लंदन और लंदन से सीधा अपना गार्डन। यही तो गार्डन से गया था, गार्डन से ही हूं। अगर आप ब्लॉग पीछे जाके देख लो। तो इनका जो लास्ट ब्लॉग था न्यूयॉर्क जाने से पहले, तब भी गार्डन ही साफ कर रहे थे, और अब आकर भी गार्डन ही कर रहे हैं। तो जिसका काम उसको साझे, पूजा करे तो लंका भाजे। समथिंग समथिंग है, ज्यादा फर्क नहीं आया। अच्छा, तो मेरा कहने का मतलब यह है कि देखो गार्डन का काम तुम्हारा है, तो मैंने पीछे से गार्डन को हाथ ही नहीं लगाया, बाकी सब चीजों का काम करा है मैंने, बाकी सब साफ सफाई मेंटेन रखी है। नहीं, गार्डन भी मेंटेन ही रखा था भाई, देख लो आप लोग। मुझे आजकल ऐसा लग रहा है कि मेरी प्रोडक्टिविटी कम होती जा रही है, क्योंकि क्योंकि मम्मी ने कहा ना गले में खराश हो रखी है, तो क्योंकि हमने अभी तक चाय नहीं पी है, कुछ नहीं पिया है, तो बस तैयार व्यार होकर पूरा परिवार नीचे आ चुका है। हाउएवर मेरी प्रोडक्टिविटी क्यों कम होती जा रही है यार, मैं अभी तक कॉफी मशीन साफ नहीं कर पा रही हूँ। आई एम स्टिक टू दिस फ्रेंच प्रेस ओनली। आज कर दूंगी, आज पक्का कर दूंगी। तो मुझे अपने हस्बैंड के लिए बनानी है फ्रेंच प्रेस कॉफी बनानी है। बाहर बंदा हमारा काम कर रहा है। तुम एक काम करो, तुम ना अपना सीरियल मत खाओ, तुम यहाँ खड़े होके डांस कर लो। जो इतना खुश हो रहा है ना पापा वापस आ गए, पापा ने कराना मैं बैठ गई होमवर्क। अभी आप घर में देखना जो होगा तमाशा, तब इनके रोने निकलेंगे। दादी नो दादी, कैन आई प्रेस इट, कैन आई प्रेस इट? ओहो, तो मैं जा रही हूँ। ये मेरे बंसी वाले, हाँ जी, चश्मा नहीं मिलता पिया सी साडा ना भाई। इतना गजब का मौसम है, गजब का मौसम, वो भी अक्टूबर में। माई गॉड, आई एम लविंग दिस वेदर। और आज आपने देखा मेरी टी शर्ट पर क्या लिखा हुआ है, देखें आप। नहीं, वैसे मैंने कोई ऐसे पर्पसली ये टी शर्ट नहीं खरीदी है। मैं प्राइमार्क गई थी, प्राइमार्क की है टी शर्ट बाय द वे, प्राइमार्क गई थी मुझे, वहां पे ये टी शर्ट थोड़ी अच्छी लगी, कपड़ा बड़ा अच्छा था इसका, तो मैंने कहा चलो खरीद लेते हैं। एनीवे, मैं जा रही हूँ फटाफट से सेंसबरी, वहां से लेके आ रही हूँ प्याज टमाटर आलू जो जो लेके आना होता है घर का सामान, क्योंकि सौरभ को निकलना है अबीर को लेके स्विमिंग के लिए, और मैं और मम्मी करेंगे खाने की प्रिपरेशन। आज मैं बना रही हूँ राजमा चावल, सोचा है कि साथ में वो छोटे वाले बैंगन भी बनाऊं अगर मुझे मिल गए तो। आपको मेन्यू की इन्फॉर्मेशन हमने दे ही दी है, चलते हैं फटाफट से सुपरमार्केट गाइस। गुड मॉर्निंग एवरीवन। गाइस, आई हैव सम रियली गुड न्यूज़, आई एम इन लेवल 3 नाउ। तो हम आए हैं स्विमिंग कराने के लिए वीर को, डैडी की ड्यूटी स्टार्ट हो गई है, लेकिन टाइम चेंज हो गया है 1 o'clock, because I'm in level 3, और अभी आ गए हम लेवल 3 में। बहुत धूप अच्छी निकली हुई है आज, आंखें भी खुल रही हैं, तो बस इसको लेवल 3 करवाते हैं और स्विमिंग कराते हैं और वापस न्यूयॉर्क से रियलिटी में आ जाते हैं। इतनी हबड़ा दबड़ी में हमने उनको स्विमिंग के लिए भेजा है, मैं आजदा से आई हूँ, बैग फेंके हैं लिटरली मैंने, है ना, वो गए हैं स्विमिंग के लिए। मम्मी हमारी बैठ के काट रही हैं अदरक, अपना वही जो होता है यू नो बेसिक चीजें, अदरक हरी मिर्चें लहसुन इकट्ठा,
आराम हो जाएगा तेरे को। और फिर अचार भी डाल देना ना। अचार भी डाल दूंगी। तो मम्मी हमारी एक अचार डालती होती है, जब वो डालेंगी तो मैं आपको दिखाऊंगी, और बड़ा स्वाद होता है वो, कुछ नहीं करना उसके अंदर, है ना, बस बैठे रहना, अचार अपने आप डल जाना। आप बस उसको बोलना है अचार बन जा तू और वो बन जाएगा। अदरक डल जा, नींबू डल जा, नमक डल जा, बस हो गया। चलो ठीक है, तो खाले बन गया। अब करो फिर, आपको थोड़ी देर में एक ग्लास जूस का भी देते हैं, जरा ताकत भी चाहिए ना। नहीं नहीं अभी नहीं चाहिए, अभी ठीक हूँ मैं। अच्छा अभी ठीक हूँ, चलो ठीक है। कह रहे मोबाइल दे दे, मैं जरा अपनी बहन से बातें कर लूं। स्पीकर भी लगा लूंगी ना। दस दाना मेरी नूह कितना काम करांदी पी है मेरे कोलो, है ना। नहीं मैं कोई फेस टाइम थोड़ा कर रही हूं कोई। ओए बंदा आगे से ये नहीं कहता मेरी नूह कोई काम नहीं करा रही, कहंदे मैं कोई फेस टाइम थोड़ी कर रही हूं। अरे नहीं नहीं इनको समझ नहीं आया, जो की समझ में नहीं आया इनको। इस टाइम 5 बजे के क्यों किया आराम कर रहे सब। ओह माय गॉड, यार ये इंडिया वालों का ये सही है, 5 बजे आराम, 6 बजे चाय, मतलब वो सारे तुसी यूके भेजो। 4 बजे सोया थी अपना, शाम को 6 बजे उठती है, 6 बजे कर सकते हैं फोन। नहीं नहीं सारे यूके भेजो, सारे टाइम भूल जाओगे इतना काम मिलेगा ना करने वास्ते। तो डैडी की दूसरी ड्यूटी भी हो गई है, बाल भी कट गए हैं, मुंह खांडी कैंडी मिल गई है। डैडी से सारा काम कराना है। श्योर लेट्स गो। और मैं जो ये ग्रोसरी शॉपिंग करके आई हूं, ये सब कुछ संभालती हूं, जरा किचन का हुलिया ठीक करते हैं। हेलो जी, नाल बैके पियो ठंडा अंडा जूस। कीर्तन लगाया हुआ है, अच्छी बात है। मैं गुरुद्वारे में बैठे हूँ, मैं कर रही हूँ अपनी के जूते साफ, रग्बी वाले तो जो जो लोग रग्बी खेलते होंगे उनको पता होगा, आप लोग ये स्टड वाले शूज पहनते हो तो इसके अंदर ना घास घुस जाती है बड़ी गंदे तरीके से। तो कल उसका दोबारा से रग्बी का मैच है तो उसके जूते रेडी करके रख देती हूँ। तो आज घर में बन रहे हैं राजमा चावल। राजमा को मैंने रात को ही सोक कर दिया था, अब मैं जिंजर पीस के राजमा में डाल के थोड़ी हल्दी डालेंगे, थोड़ा सा सिनेमन डालेंगे, मोटी इलायची डालेंगे और राजमा को बॉईल कर लेंगे। 3/8 करेगा, करो बेटा। चलो 1 हो गई। अच्छा और ये बास्केटबॉल को कौन किक मारता है अभी। चलो हो गया, आवाज़। तो राजमा का मसाला तैयार हो गया था, मैंने मसाले के अंदर अच्छी तरह से राजमा को डाल दिया है, अब इनको ट्रांसफर करूंगी कुकर में। तो घर आ गया हूँ मैं, और एक अच्छी वाइफ होते हुए प्रीति सूरी ने सारा खाना वाना रेडी करना शुरू कर दिया है। मैं बनाना था चिली पनीर, पनीर ही नहीं था फ्रिज के अंदर, पता नहीं मैं कौन सा सपना देख रही थी पनीर का, मुझे फिर पनीर कहाँ गया, सपनों में पनीर नजर आ रहा था मुझे। कोई बात नहीं यार, कोई अब मैंने तेरी ना एक नई डिश आज मैंने इन्वेंट करी है, माइक्रोवेव वाला हमारा खराब है बेचारा, सॉरी वी मिस्ड यू। मैंने मतलब उनको बताया नहीं किसी व्लॉग में, तू बता दे अब। तो बेसिकली बंदा आया हमारे घर, प्रीति को लगा कोई शायद आज खोलना नहीं है दरवाजा, बंदा चला गया। हाँ तो मैंने कहा छोड़ो क्या करना है, जरूरी नहीं है, सौरभ आएगा देख लेगा अपने आप, है ना। मम्मी ने मुझे कहा भी बेटे के दरवाजे पे है, फिर मम्मी छोड़ रहा है, मैं पैम्फलेट बांटने वाले होते हैं। इसने स्विमिंग आज बहुत अच्छी करी है, आज इसने पूरा 25 मीटर लेंथ कर दी पूरे स्विमिंग पूल की। गाइस एक्सक्यूज मी, मेरी हालत बहुत खराब है अभी, क्या करें फिर हम। तू दिखा रहा है ना मुझे सबको। ओए गाइस आज मैंने एक नई डिश इन्वेंट कर दी है, मलाई वाली मिर्च, लेट्स सी ये लोग खाकर बताएंगे इनको कैसी लगी। देखो हमें तो अभी दिखने में इतनी अच्छी लग रही है कि क्या बताएं, मलाई मैं तो सिर्फ राजमा खाने में इंटरेस्टेड हूँ, सही बताऊं तो। पता तोड़े वर्गे लोग ही होंगे ना, ना शुक्रे नाम होता तोड़े वर्गे लोग का, था चलो मैं बेटे को निकाल लूं, मैं आज मैं पूरी डैड ड्यूटीज कर रहा हूं ना। हां फिर घर आ जाना, मैं मॉम बहू बेटी माँ लड़की सारी ड्यूटी कर रही, वो नहीं दिखता अपनी डैड ड्यूटी दिख गई है। और मुझे घर भी साफ करना है सारा, तो घर पे आज आज गाड़ी भी साफ करनी है मुझे। हम मैं चार चार हाथों वाला तो बन नहीं सकती ना। कैसे कर लिया तूने मेरे बिना, मेरे बिना मैंने बहुत कुछ कर लिया, तो बताऊ नहीं सब कुछ। हाँ जी मम्मी जी खाना लग गया सारा। हाँ बस चम्मच रह गए। रोटियां बना दी आपने? रोटी बना दी मैंने, फुलका बना दिया। चलो वेरी वेरी नाइस। क्या ज्यादा बनाने नहीं थे, वो चावल है ना, राजमा चावल है। अच्छा देखो भाई राजमा बन गए हैं,
सैलड कट गया है, मम्मी जी ने काट दिया हमारी, अचार भी डाल दिया है। मम्मी रोज कहती कोई काम नहीं करांदी, कोई काम नहीं करांदी, आज इतना काम करा थे, अचार डाला इतना बढ़िया। हाँ, देखा मैंने। हाय हम रेसिपी देना भूल गए ना, अभी आप बैठ के बता देना इसकी रेसिपी। मैं सोचा कहती हम पैसा देना भूल गए। अभी सूरी भी आ गया न्यूयॉर्क से, ये अभी थी रॉकफेलर, ये इसके पीछे जो है ना पिंक वाली। चलो भाई आ जाओ, सूरी साहब स्पून ले आओ, छोटे सूरी साहब आप भी आ जाओ। आज मैंने एक नई डिश इन्वेंट करी है, मलाई वाली मिर्च। अगर इन लोगों को अच्छी लगी तो मैं आप लोगों को इसकी रेसिपी दूंगी, बड़ी आसान रेसिपी है। और ये हमारी सैलड रेडी हो चुकी है, हमारे राजमा, हमारे भाई राज, मुझे तो देखो बहुत अच्छे लग रहे हैं, पता नहीं अब मम्मी जी बताएंगी खाकर। और सौरभ जी गाइस खाना खाएं अब चलो। और चावल भी आ गए, पहले चावल मिसिंग थे। और मम्मी का ये फेमस अचार, भाई आज तो मज़ा आ जाएगा, मज़ा आ जाएगा आज। ये अचार मुझे बहुत पसंद है और आपने बिल्कुल वैसे डाला है जैसे मैं चाहती थी। न्यूयॉर्क से खाना बड़ी मजा आ गया भाई, वाकई में बहुत बढ़िया खाना, मजा आ गया सीरियसली, मुझे खुद को इतना मजा आ गया। मैं मम्मी कह रही थी वैसे अक्टूबर के महीने में ऐसा मौसम, मम्मी के लिए स्पेशली करवाया है, स्पेशली करवाया मम्मी के लिए। अरे बताना नहीं था इनको, अरे बता दिया यार, मम्मी के स्पेशली कराया। पीछे देखिए बैकग्राउंड में हमारे बिन्स आ रहे हैं, आज हमारे भैया ने साफ करे बिन्स होंगे तो आएंगे ना फिर। नहीं हम तो ऐसे बता रहे हैं ना, साफ करते हैं हम तो आएंगे। अरे रियली भाई सच में आज दिन बहुत अच्छा है। तो ये देखो आप, ब्रिस्टल हॉट बलून जा रहा है हमारे गार्डन के ऊपर से, मतलब हमारे घर के ऊपर से हॉट एयर बलून, सॉरी। और मुझे लगता है हम अपने ब्लॉग में पहली बार हॉट एयर बलून दिखा रहे हैं, 2 साल हो गए हमें ब्लॉगिंग करते हुए। कहाँ गया अभी, कहाँ गया ये रहा। हेलो हाउ इज इट, हाँ एकदम काम है ना देख। तो ब्रिस्टल एक चीज के लिए और भी बहुत फेमस है और वो है हॉट एयर बलून्स। तो यहाँ पर अभी आपको एक ही नजर आ रहा है लेकिन बहुत सारे बलून्स एक टाइम पे उड़ते हैं। और आज वेदर बहुत अच्छा है तो जिनकी राइड्स बुक होंगी उनके लिए आज हॉट एयर बलून्स उड़ रहे होंगे। पिछले वाले घर में एकदम छत के ऊपर से जाते थे ना, बहुत सारे जाते थे। हाँ शायद और ब्रिस्टल से शुरू होकर बाद में लैंड करेगा। तो बस खाना वाना खा लिया है, मैं लगा रही हूँ डिश वॉशर में बर्तन, जी हाँ मैं, और सौरभ के होते हुए मतलब कि डिश वॉशर पे मैं काम कर रही हूँ। हजम नहीं हुआ कुछ है ना, लेकिन सौरभ कर रहा है ऊपर रूम्स क्लीन। मैंने बोला लेट्स स्वॉप द रोल्स, तो तू रूम्स कर ले आज क्योंकि साथ साथ वो रूम्स करेगा, साथ साथ वो अबीर के स्पेलिंग की प्रैक्टिस भी करवा देगा क्योंकि कल है अबीर का स्पेलिंग का टेस्ट। और अबीर जी को तो बस मौका मिला हुआ है, आज संडे है, स्विमिंग विमिंग करके आए हैं आज। बाय द वे तो स्विमिंग बहुत अच्छी करी है, सौरभ को बता रहा है मुझे, विच इज गुड, बहुत अच्छी बात है। और बस ग्रैंड माँ के साथ लूडो पे लूडो लपेटी जा रहा है, लपेटी जा रहा है, बेचारी ग्रैंड माँ भी थक गई है, ऊपर से बोल रहा है आई एम नॉट। एनी वे लगाते हैं डिश वॉशर और फिर बनाएंगे एक बढ़िया सी चाय, सारे बैठ के पियेंगे चाय और फिर खोलते हैं सूट केसेस जरा सूरी साहब के, देखे तो सही बंदा अमेरिका से क्या क्या लेकर आया है।